दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना आज दसवें दिन भी जारी है। धरने पर बैठे पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं बृजभूषण ने भी साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, किसी भी जांच के लिए वो तैयार हैं। अगर पार्टी उनसे इस्तीफा देने के लिए कहती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। बृजभूषण सिंह ने पहलवानों के आंदोलन के पीछे एक बड़ी साजिश बताई है। इन सबके बीच पहलवानों का धरना मंच सियासी पार्टियों का दंगल बना हुआ है। चीज का इस्तीफा देना चाहिए, कौन सा गलत काम मैंने किया कि इस्तीफा दे दूं? तो एक ऐसा आदमी हो जिसके खिलाफ 4 महीने से षड्यंत्र हो रहा है। मेरा इस्तीफा इनका मकसद नहीं है, मैं तो एक बहाना हूं, इनका निशाना और कोई है, पार्टी है। देश की राजधानी का मौसम बारिश के बाद भले ही बदल गया हो, लेकिन जंतर मंतर पर टेंशन अभी भी हाई है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना आज भी जारी है। आज धरने का 10वां दिन है। बारिश के बीच अभी भी पहलवान डटे हुए हैं। जब तक इंसाफ नहीं होगा, हमें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। पूरी खाप पंचायत संगठन, चाहे वो किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, सभी संगठन, पूरा भारत की बेटी को इंसाफ दिलाने में घर से बाहर निकल के सभी खिलाड़ियों का साथ दे रहा है। पहलवानों का कहना है कि जब तक बृजभूषण सिंह इस्तीफा नहीं दे देते और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, उनका धरना जारी रहेगा। अब कई संगठन भी पहलवानों के पक्ष में उतर आए हैं। किसान आंदोलन के अगुवा राकेश टिकैत आज जंतर मंतर पर पहलवानों से मिलने पहुंच रहे हैं। पहलवानों के मंच पर सियासी मेला लगा हुआ है। नेता जंतर मंतर से सियासी अवसर तलाशने में लगे हुए हैं। आप माइल्ड FIR तो नहीं कर रहे उसे क्लीन चिट देने के लिए, बैकडोर एग्जिट देने के लिए? बताइए किस धारा के तहत आपने वो किया है? और क्योंकि वो माइनर की कंप्लेंट है, उसमें कंसेंट मैटर नहीं करती, मिनिमम सजा 3 से 5 साल है। अरेस्ट क्यों नहीं हुई? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, ये अरेस्ट क्यों नहीं हुई? अगर आप सच तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आप तथ्यों तक पहुंचना चाहते हैं, पकड़ो जैसे होता है, अरेस्ट करो और कस्टोडियल इंटरोगेशन, वरना इट इज अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज। वहीं बृजभूषण सिंह गोंडा में अपने घर से ही मोर्चा संभाले हुए हैं। वो पहलवानों के आंदोलन को बड़ी साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि आंदोलन के पीछे वही लोग हैं जो कभी शाहीन बाग धरने में शामिल थे। आप कह सकते हैं जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग, या जो ताकतें शाहीन बाग में सक्रिय थीं, जो ताकतें किसान आंदोलन में सक्रिय थीं, जो हमेशा समय समय पर मोदी जी पर हमला किया करते हैं, पार्टी पर हमला किया करते हैं, आज वही सारी ताकतें दिखाई पड़ रही हैं। और मैं शुरू से इस बात को लेकर के चल रहा था कि मेरा इस्तीफा इनका मकसद नहीं है, मैं तो एक बहाना हूँ, इनका निशाना और कोई है, पार्टी है। बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, वो जांच का सामना करेंगे, लेकिन अगर बीजेपी कहेगी तो तुरंत इस्तीफा दे देंगे। अगर मेरी पार्टी कहे कि आप इस्तीफा दे दो तो मुझे कोई विलंब नहीं लगेगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। किस चीज का इस्तीफा देना चाहिए, कौन सा गलत काम मैंने किया कि इस्तीफा दे दूं? सुप्रीम कोर्ट में पूरे प्रकरण में न जा करके सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार FIR हो गई, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, तो जांच का परिणाम आने दो। बृजभूषण सिंह ने पहलवानों के धरने को साजिश करार दिया है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि कुछ लोग हैं जो उनके खिलाफ पिछले 4 महीने से साजिश रच रहे हैं। 10-12 साल सोच समझ करके मामला ला रहे हैं, और मामला भी एक साथ नहीं ला रहे हैं, अलग अलग ला रहे हैं। तो मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ जिसके खिलाफ 4 महीने से षड्यंत्र हो रहा है। पहलवानों के धरने का सबसे ज्यादा नुकसान उन पहलवानों का भी हो रहा है जो पिछले 4 महीने से अखाड़े से दूर हैं। बृजभूषण सिंह भी इन बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जता रहे हैं। बृजभूषण ने धरना दे रहे रेसलर से कहा है कि वो नेशनल और रीजनल लेवल के मुकाबले होने दें, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप बच्चों के कैडेट नेशनल, जूनियर नेशनल या जो टूर्नामेंट हो रहे हैं उनको आप कराओ, और नहीं तो सरकार कराए
और नहीं तो फेडरेशन कराए। खेल की गतिविधि 4 महीने से आपने बंद करके रखा है, खेल नहीं हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन गेम को मत रोकिए। सोमवार को ब्रिजभूषण के किसी आरोप पर पहलवानों ने कुछ भी नहीं कहा। उम्मीद है कि आज वो ब्रिजभूषण के आरोपों का जवाब दे सकते हैं। पहलवान भले ही खामोश रहे हों, लेकिन सियासी पार्टियों के नेता पहलवानों के मंच से जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।